हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा है विकास। तो जिसमें हमने विकास के बारे में सभी बातें की, विकास की अवधारणा, परिभाषाएं, सिद्धांत, नियम हमने सभी जान लिए, ठीक है। उसके बाद हमने अधिगमकर्ता का शारीरिक विकास जो है वह पढ़ा। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता का सामाजिक विकास, कि उसका समाज में जो है वो विकास कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य कैसा प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है। तो अरस्तु जो हैं वो क्या कहते हैं समाज के बारे में, जो है उन्होंने बहुत बातें की। उन्होंने बताया कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है जो कहाँ रहता है, समाज में रहता है। तो यदि वो मनुष्य जो है ये कह दे कि उसे जो है वो समाज की जरूरत नहीं है, सोसाइटी उसे नहीं चाहिए, तो वो या तो देवता है या पशु है, मनुष्य वो नहीं है। यानी हर समय हर पल जो है मनुष्य को समाज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है, जब वो शिशु होता है, ना तो वो सामाजिक होता है ना वो असामाजिक होता है, क्योंकि उसे किसी भी प्रकार का जो व्यवहार है उसने नहीं देखा है, वो नहीं जानता है, ना तो वो सामाजिक है ना असामाजिक है। लेकिन जैसे जैसे आगे का टाइम जो बीतता जाता है, उसके बाद जो है वो समाज से जो है लंबे समय तक दूर नहीं रह पाता है, वह भी उस समाज का हिस्सा बन जाता है। तो ये जो समाज है, ये हमारे जो सांस्कृतिक गुण होते हैं, इनको पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो ट्रांसफर करते जाते हैं। तो देखिए, जहां हम बात करें अवस्थाओं की, तो हम देखते हैं कि 1 महीने का जो बालक होता है वो साधारण आवाज और किसी मनुष्य की आवाज में कोई अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। उसे जो है अभी बिल्कुल भी समझ नहीं होती है कि किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ या मनुष्य की आवाज़ जो है इसमें क्या अंतर होता है, वो नहीं पहचानता है। जब वो 2 महीने का लगभग हो जाता है तो मनुष्य की आवाज़ जो है वो पहचानना शुरू कर देता है, हाँ ये इंसान जो है इसकी आवाज़ है, ठीक है, लेकिन ये कौन है ये नहीं उसे पता है। फिर जब वो 3 महीने का होता है तो वो अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। 6 महीने तक आते आते जो है बालक जो है वो पहचानना शुरू कर देता है कि ये मेरी माँ है, उसने 3 माह में पहचान लिया था। उसके बाद जो आसपास के जो लोग हैं, जैसे पिता हैं, उसके दादा हैं, दादी हैं, उसके भाई बहन जो हैं, 6 माह तक आते आते वो ये चीज़ जो है वो पहचान लेता है। और कोई भी जो अनजाना व्यक्ति होता है उससे जो है वो डरता है, क्योंकि अभी उसके संपर्क में नहीं आया है, ठीक है। और जब वो 1 वर्ष का हो जाता है तो बालक जो है मना किए गए कार्य को नहीं करता है, यानी उससे कहा जाए कि ये कार्य मत करो तो वो नहीं करेगा। उसके बाद जो है 2 साल तक वो घर के जो छोटे मोटे जो काम होते हैं, जैसे सामान को उठाना, किसी ने कुछ मंगाया है तो उसको देना, तो ये जो है वो काम करने लगता है। तो इस तरीके से जो है एक दूसरे से जो है उसका संपर्क होने लगता है और हर चीज़ को वो जानने लग जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बाहर जब 3 वर्ष का हो जाता है, 2.5-3 वर्ष का, तो वो बाहर जो है वो अपने जो भी साथी होते हैं उनके साथ जो है खेलना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो सामाजिक की जो प्रक्रिया है, समाजीकरण की, तो वो जो है वो प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। सामाजिक व्यवहार जो है इस अवस्था में होने लग जाता है। उसके बाद 4 वर्ष का जो बच्चा होता है उसमें सामाजिकता आ जाती है। और वास्तव में सामाजिक विकास जो है वो हम कहते हैं कि जो पूर्व बाल्यावस्था का जो समय है उस समय हो जाता है। किशोरावस्था तक आते आते बालक जो है उसके अंदर सामाजिक व्यवहार की जो मान्यता है वो पूरी हो जाती है। अब वो सामाजिक व्यवहार जो है वो बखूबी करने लगता है। तो चलिए अब हम नोट्स के द्वारा जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहली अवस्था है शैशवावस्था। इसमें सामाजिक विकास हम देखेंगे कि जन्म के समय शिशु में सामाजिकता नहीं होती है। हरलोक द्वारा अपनी पुस्तक बाल मनोविज्ञान में प्रथम 2 वर्षों में होने वाले सामाजिक विकास की प्रक्रिया को बेहतर रूप से प्रस्तुत किया है। तो जिसमें 2 वर्षों की इन्होंने जो बात बताई उसमें सामाजिक विकास की प्रक्रिया बेहतर रूप से प्रस्तुत की गई। 1 माह में शिशु जो है वो साधारण ध्वनि और मनुष्यों की आवाज़ में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। उसको नहीं पता होता है कि ये जो ध्वनि है मनुष्य की है या किसी सामान के गिरने की है। 2 महीने में वो मनुष्य की आवाज को पहचानने लगता है कि हाँ ये मानव की है और ये किसी दूसरे व्यक्ति की है, ठीक है। 3 माह में वह अपनी माँ को पहचानने लगता है कि ये जो है वो मेरी माँ है, और उसके दूर जाने पर जो है वो रोने लगता है।
चौथे माह में व्यक्तियों के चेहरों को पहचान कर ध्यान देना शुरू कर देता है, और जब कोई उसके साथ खेलता है तो उसको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। पांचवे माह में वह प्यार और क्रोध की आवाज़ में अंतर समझने लगता है कि कौन व्यक्ति जो है वो प्यार से बोल रहा है, तो वह हमेशा मुस्कुराता रहेगा, हंसता रहेगा, लेकिन जैसे ही क्रोध की आवाज़ आती है तो वो रोने लगता है, और यानी कि प्यार और क्रोध की आवाज़ में जो है उसको अंतर पता लग जाता है। छठे माह में परिचितों को वो पहचानने लगता है, ये अपना है, और अपरिचित व्यक्ति यानी कि ये अपना नहीं है, यानी मैं इसको नहीं जानता हूँ, पहले इसको नहीं देखा है, और उससे वो डरने लग जाता है। आठवें माह में वह बोले जाने वाले शब्दों, हाव भाव, मुद्रा और अंग संचालन की नकल करने का प्रयत्न करता है। जैसा सामने वाला कर रहा होता है, जैसी उसकी माँ कर रही होती है, पिता कर रहे होते हैं, तो हूबहू वो देख कर जो है वो इस चीज़ को करने का प्रयास करता है, अनुकरण करने लगता है। एक वर्ष की आयु में ना ना कहने अथवा किसी प्रकार से मना किए जाने वाले कार्य को वो नहीं करता है। उसको बता दिया जाता है यहाँ आग जल रही है, आपको यहाँ हाथ नहीं लगाना है, ये मत करो, टोकते हैं तो वो मानता है। ठीक है, उसको नहीं पता होता है कि इससे जो है वो क्या खतरा होगा, कोई भी नुकीली चीज जो है वो उठा लेता है, लेकिन जब उसको मना करते हैं इस नुकीली चीज को आप रख दें क्योंकि इससे जो है वो आपकी चोट लग सकती है, तो वो इस काम को जो है कब नहीं करता है, जब उससे रोका जाता है। दो वर्ष की आयु में वह वयस्कों के साथ कोई ना कोई कार्य करने लगता है, यानी मेरी मम्मी जो है जो कार्य कर रही है मुझे वो कार्य करना है, उनके जैसा ही उनकी जो है वो हेल्प करनी है। ठीक है, भले ही उसको ये कार्य करना ना आता हो लेकिन उसको करना है। इस प्रकार परिवार का सक्रिय सदस्य बनने का वो प्रयास करता है, और धीरे धीरे असामाजिक विकास से उसके अंदर जो है वो सामाजिक विकास जो है वह आ जाता है। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट उसके अंदर आ जाता है। फिर देखें बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, यानी हमने देखा कि जो पूर्व बाल्यावस्था है तो उसमें जो है यहाँ पर सामाजिकरण जो है वह उसके अंदर आ जाता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास जब विद्यालय में प्रवेश करता है, सामाजिक दायरा उसका बढ़ जाता है, अब और भी लोग जो हैं उसके सामाजिक दायरे में जुड़ जाएंगे, वहाँ वह नए वातावरण में अनुकूलन करना सीखता है और अपनी आयु के बच्चों के साथ अधिक से अधिक जो है वो समय व्यतीत करना चाहता है। सामान्यतः बालक किसी न किसी टोली या दल का जो है वो सदस्य हो जाता है। ऐसा दल, ऐसी टोली जो कुछ क्षण के लिए बनाएगा, बिगाड़ भी लेता है। ठीक है, ज़्यादा फर्क उसको नहीं पड़ता है, कुछ समय के लिए अपने जो है वो दोस्तों के साथ खेलता है और अगले ही दिन उसमें ना खेले, ऐसा भी संभव है, फिर तीसरे दिन उसी टोली में खेल ले, ऐसा भी संभव है। हरलोक के अनुसार टोली बालक के आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरे के प्रति सद्भावना आदि गुणों का विकास भी करती है। ठीक है, टोली जो दल वो बनाता है बालक, तो उसके द्वारा जो है उसके अंदर आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरों के प्रति सद्भावना, इन गुणों का विकास होता है, और ये सभी विशेषताएं जो हैं वो उसको सामाजिक विकास की तरफ ले जाती हैं। बाल्यावस्था के अंत तक यानी 11-12 वर्ष का जो बालक है, गिरोहावस्था उसका गैंग एज जो वो बन जाता है, उसमें चरम पर वह पहुंच जाता है और वो टोली उसमें विभिन्न अच्छे और बुरे सामाजिक गुणों का विकास भी करती है। अगला देखें किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है, तो ये जो है तूफान और संक्रमण की जो है वो अवस्था कही जाती है। किशोरावस्था जो है वो कैसी अवस्था कही जाती है, तूफान और संक्रमण की जो है अवस्था कही जाती है। तो यहाँ पर किशोर और किशोरियों में एक दूसरे के प्रति जो है आकर्षण शुरू हो जाता है और वे आकर्षक वेशभूषाएं, श्रृंगार, केश विन्यास जैसे कार्य जो है वो करने लगते हैं। जहाँ हम लड़कियों को देखते हैं तो बार बार जो है अपना चेहरा शीशे में देखना, या फिर लड़कों को देखते हैं तो वो जो है यानी यहाँ पर 16-17-18 वर्ष का जो बच्चे हैं उनका जो है किशोर को देखते हैं तो वो अपने हाथ जो है उनके बालों में ही ज़्यादा रहते हैं, बालों को जो है सजाते रहेंगे, और यही वो अवस्था होती है जिसमें बालक या बालिका अपने सामाजिक व्यवहार में मान्यता और स्वीकृति जो है वो चाहते हैं। ठीक है, किशोरों में सामाजिक संपर्क और विशिष्ट रुचियों का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो जाता है, वो फिर है अपने तरीके से कार्य करना चाहते हैं, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग जो है वो कार्य करते हैं, और जो भी सामाजिक संपर्क वो करते हैं अपने दोस्तों के साथ जो है रहना, ठीक है, और अपने जो है मनपसंद जगह पर जाना, अपनी जिस प्रकार से जो है वो टोली बनाना, नेतागिरी जो है वो करना,
तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा हो जाता है और इस अवस्था के अंत तक बालक जो है वो सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाता है। तो यहाँ हमने सामाजिक विकास की बात की, बहुत अच्छे से जो है मैंने समझाने की कोशिश की है, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ हमें क्या पता लगता है कि जो सामाजिक विकास है, सामाजिकरण जो है वो सीखने की क्या है, एक प्रक्रिया है। विभिन्न अवस्थाओं में बालक जो है वो धीरे धीरे जो है आगे की स्थितियों को पहचानने लगता है, समाज के रूप को जो है वो जानने लगता है और अंत तक यानी कि किशोरावस्था के अंत तक जो है वो बालक सामाजिक रूप से जो है वो परिपक्व हो जाता है, ठीक है। और सामाजिक विकास हमें बताता है कि व्यक्ति और पशु दोनों में अंतर है, व्यक्ति जो है उसके समूह से जो समाज बनता है जो कि पशु नहीं कर सकता, और हर व्यक्ति को जो है दूसरे व्यक्ति की जरूरत हमेशा पड़ती है, आगे भी पड़ती रहेगी। तो आज हम यहीं तक करेंगे और आप लोग जो है इसको बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, ठीक है। नोट्स को जो है वो याद करें जिससे कि आपको जो है ये धीरे धीरे ये चीज़ें सारी जो है क्लियर होती जाएं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।